अब हम आ चुके हैं यहाँ पर मशहूर बन कबाब। बन कबाब खाने के लिए हम आ गए हैं। आइए चले चलते हैं, देखते हैं ये बन कबाब कैसे बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, बताइए बन कबाब की प्राइसेस क्या है? डबल बन कबाब 90 रुपए का है, सिंगल बन कबाब जो है वो हमारे पास 60 रुपए का है। अच्छा। एक कबाब दो डबल लोग, एक कबाब एक रोटी 50 रुपए। अच्छा चले थे क्या हमारे रोड का मशहूर बन कबाब है, रेस्टो के सामने जो होता है वही बेचा है। सही है, बना दे दो प्लेट, बना दे हमारी बन कबाब बना दे। और अब ये देखे बनाने जा रहे हैं कबाब तैयार हो रहे हैं। ये है बेसिकली अंडे वाला बर्गर, ये दो रंगी है, ये देखिए कोयला वाला बन कबाब है। कौन सा वाला बन कबाब? कोयला बन कबाब। कोयला बन कबाब है भाई ये। अच्छा ये कोयले पे बन रहा है बेसिकली, कोयले वाला बन कबाब है ये। कराची का सबसे मशहूर बन कबाब है, कराची का सबसे मशहूर बन कबाब जो कि कोयले पे बनता है। अब इसको टेस्ट करके देखेंगे। अंकल आपकी दुकान कब से है वैसे? वैसे तो हम यहाँ पे 20 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा माशाल्लाह से, तो ये फेमस ही आपकी चलती है काफी यहाँ पर? तीसरी पूरी आ चुकी है। अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, उम्मीद करते हैं हमें अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। चलें भाई ये आ गए हमारे बन कबाब और हम चलते हैं इसको टेस्ट करते हैं। कहाँ बैठे देखिए, फाइनली हम लोग बन कबाब अपने लेकर आ गए हैं जो कि यहाँ के बहुत मशहूर बन कबाब हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे सुना था अंकल ने कहा कि ये मशहूर बन कबाब है और इसके अंदर देखते हैं ऐसी क्या। ये सिर्फ नई चीज़ ये थी कि ये कोयले पे बना रहे थे, इन बन कबाबों में कोयले पे बनाए गए, तो टेस्ट करके देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है कोयले पे बनाने का और बाकी सारे फूड स्ट्रीट से बनाने का। ओहो पूरी ही डिप हो गई है, टेस्ट करके देखते हैं। थैंक यू। है मजे का नो डाउट, बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे आम बन कबाब जैसा ही लग रहा है जैसे हम बन कबाब खाते हैं, कोई इसमें स्पेशलिटी नहीं है। इन्होंने वैसे भी सादा सिर्फ बन रखा है और इसके अंदर जो है वो ये कबाब रखा है, या इन्होंने हरा धनिया और पुदीने की चटनी डाली है, तो ये सिंपल ही है। इतना ज़्यादा कुछ इसके अंदर स्पेशल नहीं है कि इसको बोला जाए कि बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आ रहा है। आम बन कबाब जैसा टेस्ट ही है जैसे आप अमूमन खाते हैं, लेकिन बस यहाँ के कोयले पे बनाया जा रहा है तो इसको एक नया नाम दिया जा रहा है कि भाई इसी वजह से ही फेमस है कि कोयले पे बनते हैं। अगर आप लोगों को खाना है तो आप लोग आइए दोरा जी और इनके फेमस कोयले पे बने हुए बन कबाब खाइए, टेस्ट कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। तो भाई अब मैं अपने तो रिव्यू दे दिए, मैं जो है वो अपनी बहन की रिव्यू ले रही हूँ, तो अब वो टेस्ट करके देखे बताएगी खुद ही कि भाई ये कैसा है। अब आप टेस्ट करके बताएं जी। रेडी हाँ भाई, कैसा लग रहा है? बहुत मजे का है, क्रिस्पी सा है इसका जो बन है ना, उन्होंने सेगा है ना, वो थोड़ा सा क्रिस्पी सा हो गया है। उनका कबाब भी अच्छा टेस्ट है, कबाब जो है अंडे में कोटेड है ना। हाँ लेकिन ये आम स्ट्रीट फूड जैसे है ना, जिस तरह से हम लोग हमेशा बर्गर खाते हैं, इसमें कुछ नई चीज़ नहीं, कोई नई चीज़ नहीं। जैसे अंकल बता रहे थे मशहूर है लेकिन नॉर्मल है, मतलब कोई स्पाइस नहीं है इसमें, कुछ भी इसकी मतलब है, स्पाइस हाँ इसके अंदर कुछ ऐसा नया नहीं है, लेकिन नो डाउट है अच्छा।
और इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। होपफुली आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।